जो डेरा सच्चा सौदा बाबा जी पर जो भी आरोप लगे हैं ये सब गलत है और इनको जल्दी से जल्दी रिहाई किया जाए, और जो मैं वहां पर कोई लोग रहते हैं या रहते हैं गलत है उनको सजा दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं गलत हूं तो आप मेरे को सजा दो, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा बडेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं जनता से कि 3-4 सालों से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणवीर जाखड़ है। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो? मैं डेरा सच्चा सौदा को सन 1998 से जानता हूँ। कितनी बार गए हो सर? देखिए, मैं डबवाली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट था और मैंने वहाँ पर, मैं डबवाली में तन सुखदास बिहारीलाल धर्मशाला के अंदर एक हम रूम लेके रहते थे, कई बच्चे थे, तो मैं वहाँ पर गर्ल्स सोसाइटी में पढ़ गया। तो ये जो चिट्टा चला है ये अभी पड़ा है, इसको छोड़ के मैंने बाकी सारे नशे किए हैं। एक चिट्टे को छोड़कर बाकी मैंने सारे नशे किए हैं। तो हम क्लास के अंदर जाते तो उसको पता नहीं चलने देते, टीचर को फीम खाने लेनी, रात को शराब पी लेनी, वो बैठते, घर वाले तो ऐसे सोचते थे भी ये पढ़ने के लिए जाता है। और मेरे को कई बार रात को जब मेरे को, मैं उठता हूँ और मेरे को वो दिन याद आते हैं, आज ये दिन याद आते हैं, तो मैं अकेला बैठे बैठे रोने लग जाता हूँ कि मैं पहले इस जगह पर गया हुआ तो मेरी इतनी, मैंने टाइम गमाया, इतनी जिंदगी नहीं, हो सकता है मैं सिरसा का डीसी होता। सर क्यों, मतलब आपके, आपने जब जुड़े कैसे बदलाव आया सर आपकी जिंदगी? मैं वहां पर, मेरा कोई वैसे रिश्तेदार कह ले वैसे आया था और मैं कहीं बैठा था, तो मैंने ऐसे ही उनको बोला, रात को हम पानी लगा रहे थे गुवार के अंदर, गुवार खराब हो रहा था, ट्यूबवेल का पानी मांग नहीं रहा, तो वो मेरे को वैसे बैठे बैठे, रात को हम 10 बजे बैठे थे, मेरे मामे जी का लड़का है रामस्वरूप खिचड़ सुल्तानपुरिया से, उसने मेरे को कहा कि आप इतनी बर्बादी कर रहे हो, शराब पीते हो, डेरे चलो, ये चलो, तो मैंने उससे थोड़ा सा गुस्से के अंदर होके बोला, मेरे को तेरा जे बाबा इतना बढ़िया है डेरे वाला तो बारिश करा दे, मैं सुबह डेरे चले जाऊंगा, पानी नहीं लगाना। तो रात को 3:30 बजे बारिश आ गई और बारिश आने के बाद वो कहा अब तो पानी लगाने की जरूरत नहीं, फिर मैं डेरे में चला गया। वैसे मैं अकेला चला गया डेरे में, मेरी मम्मी एक आधी बार वहां गए थे, उन्होंने, मैंने उनको कहा डेरे जाना है, क्योंकि मेरे को घर वाले पैसे नहीं देते थे कि ये खराब कर देगा, तो मैंने उनसे 50 रुपये लेकर मैं डेरे गया था। और हमारे यहाँ पर एक रोडवेज बस आती है 8:30 बजे, संडे का दिन था और मैं अकेला ही चला गया, तो मेरे, मैं चला गया, जब सऊवाड़ा गाँव आया तो सऊवाड़ा के अंदर एक कोई व्यक्ति चढ़ा वहां से इस रोडवेज बस के अंदर, जैसे बारिश आ, उसके पैर में व्हाइट रंग की चप्पल पहनी हुई थी, उसके छोटी छोटी दाढ़ी थी, तो वो व्यक्ति मेरे से सरसा तक बोले ही नहीं, मैं, वो इधर बैठा रहा, मैं इधर बैठा रहा। तो जब मैं पुराने बस स्टैंड के ऊपर वहां से उतरा तो वहां टेम्पू लगे थे, मैं तो गया ही नहीं कभी डेरे का, वो बोल रहे थे भी डेरा डेरा डेरा, तो मैं उस टेम्पू के अंदर बैठ गया और वो व्यक्ति भी उतर गए मेरे साथ बैठ गया वहीं। तो वो बोले आपको, आपको कहाँ जाना है? तो मैंने उसको बोला मैं डेरे जाना है, मैं नाम लेना है डेरे का। तो बोले आ जाओ मेरे साथ। तो उस व्यक्ति के मैं साथ चला गया, उसने मेरे को सचखंड हॉल में बिठा दिया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाई, उसने मेरे को इतनी इज्जत दी और उसने एक मेरे को छोटी सी परम पिताजी की इतनी बड़ी फोटो लेके दी थी 6 रुपये की उस टाइम, और वो फोटो आज भी मेरे पास है। उसके बाद मैं डेरे से जुड़ता रहा, सारा सिस्टम चलता रहा, मैंने पूरा सऊवाड़ा गांव, पूरा सिरसा जिला के जितने अंदर गांव, मैंने पूरे एक एक व्यक्ति से मैं मिल लिया, आज तक मेरे को वो व्यक्ति कभी दिखाई नहीं दिया, ना मेरे को मिला। मैंने सऊवाड़ा गांव के अंदर, मेरे पास एक दो बार स्कीमें रही हैं, मैं सऊवाड़ा गांव के अंदर मेरे कम से कम 200 लोग हैं, मैंने पूरे एक एक घर का सर्वे कर दिया वहां पर, आज तक मेरे को वो व्यक्ति वहां पर नहीं मिला।
तो मैं उसको ढूंढता ही रहा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता या मेरी कोई औकात नहीं थी, और उस मालिक ने हमारे को इतना दिया। और एक बार मैंने वैसे सचखंड हाल में बैठा था गुरुजी के पास ऐसे, तो गुरुजी ने ऐसे बोला भी आपने किसी ने कोई बात करनी है तो कर लो। मेरे वैसे ही अंदर से मैं वैसे खड़ा हो गया, हाँ भी बोलते ने क्या बात करनी है। तो मैंने ऐसा बोला गुरुजी सिस्टम को बनाए रखना। तो आज का दिन 15 साल की बात, आज का सिस्टम मालिक ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है और हमारे को नया जन्म दे दिया है उसने। और जिस चीज के काबिल हम नहीं थे, एक आदमी हमारा माँ भाई बहन बाप जो हमारे पर विश्वास नहीं करते थे, आज पूरा गांव आज मेरे को लोग प्रेमी के नाम से जानते हैं। और जो भी मैं किसी को कह देता हूँ कि प्रेमी ने कह दिया वो ठीक है। अब काम क्या करते हो सर? मैं कोई काम नहीं करता, मैं खेतीबाड़ी करता हूँ, किसान हूँ, एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। और हम अपनी मेहनत इतनी करते हैं और दिल ऐसे करता है कि वहां डेरे के अंदर ही जाके बैठ जाएं, पर कुदरत की कई मजबूरियां हैं, बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। सर बच्चे भी जाते हैं आपके वहां? बिल्कुल जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, मेरी मिसिज भी जाती है, सब पूरा परिवार हम जाते हैं। लेडीज को लेकर माहौल कैसा है सर? देखिए मेरी मिसिज को या मेरे गुड़िया गुड़िया है, लड़का नहीं है, जे ऐसा माहौल होता तो मैं तो वहाँ बच्चों को 10-10 दिन भी छोड़ देता हूँ, 5-5 भी दिन छोड़ देता हूँ। अपनी बेटी को अपनी मिसिज को कौन छोड़ेगा? और जो लोग कहते हैं माहौल खराब है, उनकी थोड़ी सी सोच में फर्क है कि जिनका आपका खुद का माहौल खराब होता है वो दूसरों की उसी नज़र से देखते हैं भी इनका भी माहौल खराब होगा। जो इतने आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं, आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है। आरोप मैं रोड रोड जा रहा हूं, कोई मेरे ऊपर भी लगा सकता है, आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो, आप पर भी कोई आरोप लगा सकता है, मेरे पर भी लगा सकता है। आरोप बिल्कुल 101% गलत है। जे कोई माने कोई कहे आरोप सही है तो मेरे पास और देने लेने के लिए कुछ नहीं है। मैं सिर सिर की शर्त रख लूंगा और मैं कोर्ट में जाके एफिडेविट दे दूंगा। जे गुरुजी पर आरोप सही है तो मैं मेरी सिर उतार के वहां पर मेरा सिर की शर्त रख, मैं सिर उतार के रख लूंगा। जरूरत है सर समाज को गुरुजी की? समाज को अब क्या बताऊं मैं आपको, क्या जरूरत है? मेरे जो ऐसा नशा समाज के अंदर आ गया जो लोग जानते ही नहीं थे, समय चिट्टा अफीम जो वो अब एक आदमी 10 किलो पोस्त खाता है महीने की, और उसके एक लड़की है शादी के अयोग्य है, वो उम्र के, और वो हमारे पास आते हैं कोई प्रेमियों का लड़का बताओ यार नशा ना करता हो। तो हमने कहा आप क्यों नशा करते हो, आप पोस्त खाते हो, आपको प्रेमी की क्या जरूरत है, ऐसा ही दे लो। बोले हमारी तो जिंदगी बर्बाद होगी, अगले की तो नहीं। लोग ऐसे सवाल करते हैं, समाज को इतनी जरूरत है जिसका हम लिख बोलकर आपको बता नहीं सकते। गुरुजी जे आज इस समाज के अंदर होता तो जो ये कोरोना चल रहा है, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो ये ऐसा कभी नहीं होता। आप कुदरत के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ऐसी दिक्कतें पब्लिक को आम जनता को झेलनी पड़ेगी। ये सरासर गलत है, ये सरासर कुदरत के साथ छेड़छाड़ है। संतों को क्या लेना होता है भी, उनको अपने बच्चे थोड़ी पालने होते हैं, वो क्या क्या लेने आते हैं यहां पर। और ये कहते हैं भी आरोप लगा दो, ये कर दो, गुरुजी ने ये किया। कोई ऐसा कहता है भी उन्होंने 6 करोड़ लोगों का नशा छुड़ा दिया, जो लोग जिनको जिंदगी बर्बाद थी उनको घर बसा दिया उनका, जिनके कोई गरीब की शादी की बेटी वो शादी करवाते हैं, मकान बनाते हैं, बीमार का इलाज कराते हैं। आपको लाखों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। और लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रेमियों को डराना और धमकाने का काम किया। हम तो कोई आगे ऐसे कह दे भाई ये है वो, हम गुरु के सिवा और किसी को नहीं मानते। क्या फर्क आया सर 3-4 सालों से समाज के ऊपर? समाज के ऊपर इतना फर्क आ गया कि समाज के अंदर हाहाकार मच रही है और लोग तिहाई ऐसे उड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, और तीन सालों के अंदर मेरे को ज्यादा तो पता नहीं, 50,000 या 20,000 लोग एक गांव के अंदर 50वीं नशा छोड़ जाते तो कितना फर्क पड़ता उससे। और आज तक सच्चे सौदे के अंदर शिक्षा कोई गलत नहीं होती। हो सकता है कोई चंद लोग वहां रहने के लिए, डेरे को बदनाम करने के लिए, बाबा जी को बदनाम करने के लिए लोग ऐसे ही भी कहते हैं। और मैंने तो एक मेरा प्रैक्टिकल है, जो लोग अपने दुखों से कोई दुखी नहीं है, लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी है। भी इसका एक है परिवार, भी इसके तो बच्चे डेरे जाते हैं, ये बढ़िया है, आवाज ये कर, ये सुख से नाश हो, और इसमें कोई कुछ नहीं है। जब गुरुजी वापस आ जाएंगे तो क्या बदलाव होंगे? जब गुरुजी वापस आ जाएंगे तो आप ऐसे समझ लेना, दुनिया में सतयुग आ गया, सतयुग की नींव रखी गई, सतयुग आ गया सरकार। और कोई कहे, चाहे आप कहो, चाहे कोई दूसरा मीडिया कहे, चाहे कोई कहे, भी गुरुजी अंदर है, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। वो हमारे संग संग, हमारे 24 घंटा हमारे पास ही खड़े रहते हैं। हम तो जब याद करते हैं तो जब ही आगे आगे खड़े हो जाते हैं, कोई मुसीबत में किसी के, हाँ कोई अंदर कहे कोई आगे कहे। रामचंद्र जी को किसी ने, छोटा था उसने, 14 साल का वनवास काट के आए थे, आज भी लोग उस टाइम भी कहते थे रामचंद्र जी को जेल, ये वनवास कर लो जेल कर लो, ये भी है। क्या मांग करोगे आप सरकार से? मेरी सरकार से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही मांग है, जो डेरा सच्चा सौदा बाबा जी पर जो भी आरोप लगे हैं ये सब गलत है, और इनको जल्दी से जल्दी रिहाई कह जाए, और जो मैं वहां पर कोई लोग रहते हैं या रहते हैं गलत है, उनको सजा दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं गलत हूं तो आप मेरे को सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। बाबा जी का कोई उसमें कोई रोल नहीं है, बाबा जी 1% गलत नहीं है। जहां पर धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान के हर जगह मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद हर जगह होते हैं, वहां पर किसी को रोका नहीं जाता, भी तेरे को आना नहीं या तेरे को मना नहीं। वहां पर हर चोर वहां पर आते हैं, जुआरी वहां पर आते हैं, लोग वहां पर आते हैं, हर लोग आते हैं वहां पर, किसी को रोका नहीं जाता। तो वैसे वो एक धार्मिक संस्था है, वहां पर अच्छे लोग भी जाते हैं, मारे लोग भी जाते हैं, लोग सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, लोग चोरी करने के लिए जाते हैं, लोग उल्टा पुल्टा काम करें, जो गलत है उसको सजा दे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं उसमें, हम उसका कोई समर्थन नहीं करते। पर हम एक बात आज भी कहते हैं, कहते रहेंगे, कहते ही थे, भी बाबा जी बिल्कुल निर्दोष हैं, उनमें कोई वो नहीं है। जे उस पर कोई दिक्कत हो तो हम, मैंने आपको पहले भी बताया, हम सिर की शर्त रख देंगे, सिर काट के रख देंगे, जे उस वो गलत हो सकता है, मैं हम कोर्ट में देने एफिडेविट देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों, आपको लगातार बातचीत दिखा रहे हैं। जो लोगों का मानना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। वो चंद लोग जा, ये लोग जो चीख चीख के आपके सामने आकर बोल रहे हैं, खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।